नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार आप सभी के एमके क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 6 अप्रैल 2021 के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के दोनों पेपर समाप्त हो चुके हैं। इस वीडियो में दोनों शिफ्टों में आए हुए जीके जीएस पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट, इसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है? कौन सा पर्वत श्रेणी है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है? तो वो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट है डक्कन, डक्कन लिखा हुआ है, डक्कन है दोस्तों। डक्कन का पठार में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो वो है काली मिट्टी। राइट आंसर काली मिट्टी होता है इसमें। नेक्स्ट है वर्ल्ड फ्रीडम आइडिया ऑफ नेशन किताब किसने लिखा है? तो राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है इस किताब को। और उसमें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के कार्यकाल। और नेक्स्ट है इसमें भारत मानक रेखा 82.5 या 82.12 दे सकता है पूर्वी देशांतर कहां से होकर गुजरता है? तो वो है इलाहाबाद। नेक्स्ट देखते हैं रोलिंग प्लान के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो है मोरारजी देसाई थे रोलिंग प्लान के समय। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? क्रोम दे रखा था, फायरफॉक्स देखता है, गूगल या सफारी। तो इसमें सभी क्रोम है मगर गूगल नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं नाटो क्या है? नाटो एक सैन्य गठबंधन है। क्या है? एक सैन्य गठबंधन है। नेक्स्ट देखते हैं एशियन फुटबॉल कप 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो वो 2023 एशियन कप जो होगा वो चाइना में आयोजित होगा। और वन्य जीव संरक्षण किस अनुसूची में आता है? तो वो है 7वीं अनुसूचित में आता है। हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो तीरथ सिंह रावत बने हैं। कौन बने हैं? तीरथ सिंह रावत। तो ये क्वेश्चन इसमें गवर्नर भी ये आ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं इसमें रक्त के थक्का बनने में कौन सी विटामिन लाभदायक होती है? तो विटामिन के होती है जो रक्त को थक्का बनाने में लाभदायक होती है। महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा जंतर मंतर कहाँ नहीं बनाया गया था? तो जयपुर में तो बनाया गया था दोस्तों, इलाहाबाद और वाराणसी। और कोई ऑप्शन था तो उसके अनुसार से हम टिक करते, तो ऑप्शन के आधार पे लगा देते उसको। नेक्स्ट देखते हैं 51वां अनुच्छेद किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यह 42वां 1976 में इसे जोड़ा गया था। और चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो महिलाओं द्वारा वृक्ष की कटाई पर रोक लगाने से संबंधित है। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो वो 1921 में हुआ था। और अगला देखते हैं संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है संघाई महोत्सव। नेक्स्ट है पुलकेशिन सेकेंड किस वंश से संबंधित है? तो चालुक्य वंश से संबंधित है। और इसमें दे रखा था 1 GB इज इक्वल टू तो कितना MB होता है? 1024 MB होता है। ये बार बार रिपीट होता है दोस्तों क्वेश्चन। विश्व में पहली कंप्यूटर कंप्यूटर को यांत्रिक पुर्जा रहित थी? तो वो थी इनिक। क्या थी? इनिक थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसमें गुप्त वंश, मौर्य वंश, मुगल वंश और दिल्ली संतलन, इनको क्रम में सजाना था दोस्तों। नेक्स्ट है इसमें इनमें से कौन से जूल में तापक के नियम पर का कार्य नहीं करता है? तो वो है हीटर, फ्यूज और स्विच। तो इनमें से एक और कोई ऑप्शन था, तो इनमें से हम टिक करते हैं अगले क्वेश्चन में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर कौन काम नहीं करता है? ऑप्शन 4 दिए गए थे, उसमें से हमें इलिमिनेट करके लगाने थे। नेक्स्ट देखते हैं विश्व मरुस्थल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 17 जून को मनाया जाता है दोस्तों, विश्व मरुस्थल दिवस। 2048 का जो ओलंपिक होगा, ओलंपिक वीड में कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो जाएगा? तो वो है दिल्ली। क्या है? दिल्ली होगा। नेक्स्ट है इसमें भारत के अभ्रक कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? भारत में जो अभ्रक की मात्रा है जो वो कितने प्रतिशत थी? तो 20, 24 और 12 और 6, इन चारों में से ऑप्शन टिक करने थे। नेक्स्ट है दोस्तों चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो वो है सुंदरलाल बहुगुड़ा ऑप्शन में था और ये राइट आंसर होता। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस किस नेता की याद में मनाया जाता है? तो राइट आंसर होता सुभाष चंद्र बोस। और भी ऑप्शन थे, महात्मा गांधी थे और भगत सिंह ऑप्शन दे रखे थे। नेक्स्ट देखते हैं हजार खंबा महल रुद्रदेव ने बनाया था जो कि किस वंश से है? तो ये काकतीय वंश से। क्या है? काकतीय वंश से है। सेकेंड शिफ्ट के दोस्तों देख लेते हैं इसमें अगला है यूएनए के महासचिव किस देश के राष्ट्रपति थे जो तो चौथे थे? तो वो चौथे थे ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से थे दोस्तों? चौथे ऑस्ट्रेलिया से थे। कौन सा खिलाड़ी अपने 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाया था? तो वो है जो रूट। क्या है? जो रूट। 100वें टेस्ट मैच में इन्होंने 200 रन बनाए थे।
अगला है, जनवरी 2021 का उपचुनाव आयुक्त किसे, ये उपचुनाव है दोस्तों, उपचुनाव आयुक्त किसे बनाया गया, तो उमेश सिंह को बनाया गया था। किसे बनाया गया था, उमेश सिंह को। अलकनंदा और पिंडारी नदी कहाँ मिलती है, तो कर्णप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है, कर्णप्रयाग में। नेक्स्ट है, भारत के पहले लोकपाल कौन बने थे, बने तो पिनाकी चंद्र घोष हैं जो भारत के पहले लोकपाल बने हैं। और जोक जो होती है दोस्तों वो किस फाइलम में आती है, तो एनिलिडा फाइनल में आती है। कौन सी फाइनल में, एनिलिडा फाइनल में आती है। कौन से रोग नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, मधुमेह, हैजा, टिटनेस, रेबीज। तो इसमें से देखना होगा दोस्तों कौन से वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, इनसे जो ग्रसित होंगे वो लोग। अगला देखते हैं, दिसंबर 2020 का ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो स्कॉट मॉरिसन है जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। इनमें से आउटपुट डिवाइस बतानी थी दोस्तों, प्रिंटर है और माइक MICR है, माउस है, तो इसमें राइट आंसर होता है प्रिंटर, और ये दोनों इनपुट डिवाइस है। अगला देखते हैं, मीराबाई किस घराने से संबंधित थी, तो ये बीजार और बीजापुर और मेवाड़ से, तो मेवाड़ इसमें राइट आंसर होता है, मीराबाई जो थी वो मेवाड़ घराने से संबंधित है। इनमें से कौन सा दिल्ली में नहीं है, तो कुतुब मीनार था और पंचमहल था, लाल किला था, और कोई ऑप्शन था, तो कुतुब मीनार और लाल किला तो दिल्ली में है, पंचमहल को टिक करते दोस्तों इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना का जनक किसे कहा जाता है, तो पीसी मालोनोविस को कहा जाता है, भारत में पंचवर्षीय योजना का जनक। और नेक्स्ट पूछा था इसमें, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें से कौन सा कर खरीदने पर पे किया जाता है, तो अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है, और जीएसटी है, तो राइट आंसर जीएसटी होता है। क्या होता है, जीएसटी होता है, ऑप्शन ये जीएसटी वाला करेक्ट होता है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन। अगला देखते हैं, अगला है, उरल पर्वत किन महादेश को अलग करता है, एशिया और यूरोप को अलग करता है उरल महापर्वत। अगला देखते हैं, कौन सा धातु अधातु रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में रहती है, तो वो है ब्रोमीन। क्या होगी, ब्रोमीन, ऑप्शन ब्रोमीन सही होता है इसमें। इसरो के फ्रांस के लिए, इसरो ने फ्रांस के साथ मिलकर किस चीज पर काम कर रहा है, तो रिमोट सेंसेसिंग सैटेलाइट पे काम कर रहा है। किस पे, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पे काम कर रहा है। किस शासक मृत्यु को पोलो खेलते समय हो गई थी, किस शासक का मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई थी, तो वो है कुतुबद्दीन ऐबक। कौन से, कुतुबद्दीन ऐबक थे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानव अधिकार दिवस। मसाई जनजाति किस महादेश की जनजाति है, तो वो है अफ्रीका। कौन है, अफ्रीका, ऑप्शन अफ्रीका सही होता है। आयुष्मान भारत में किस योजना का विलय कर दिया गया, तो ये सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना का विलय कर दिया गया, मतलब इसमें आयुष्मान भारत में इसे भी इंक्लूड कर दिया गया। 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष जोड़ा गया था, तो वो 2002 में जोड़ा गया था। अगला देते हैं, अगला है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम INC के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की थी, तो 1906 में बात की थी। और नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत किसका अधिकार मिला हुआ है, चाहे किसका अधिकार दिया गया है, तो काम करने का अधिकार दिया गया है। क्या करने का, काम करने का अधिकार दिया गया है। अगला है, राज्यों के हित के कानून में किसके तहत बनाया जा सकता है, तो कानूनी नीति निर्देश के तहत, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत बनाया जा सकता है। डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो है नीलगिरी की। किसकी है, नीलगिरी की ऊंची चोटी है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो वो ज्योतिबा राव फुले थे। क्या थे, ज्योतिबा राव फुले थे। इनमें से देखते हैं, इनमें से कौन सा बाइनरी डिजिट है, तो बाइनरी डिजिट दोस्तों इस तरह के होते हैं, तो ऑप्शन कई चार रहे होंगे, तो उसमें से ट्रिक करने थे। और डिब्रू सिखोई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, तो वो आसाम में। कहाँ पे है, आसाम में। अगला देखते हैं, यूएनए के वर्तमान प्रेसिडेंट किस देश के हैं, तो वो है पुर्तगाल के हैं, वर्तमान यूएनए के जो प्रेसिडेंट है। बुद्धचरित किताब किसने लिखी थी, तो अश्व घोष ने बुद्धचरित किताब लिखी थी। और बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव को खत्म करने के लिए कौन सी दवाई उपयोग में की जाती है, तो वो है एनालिजिसिया एंटीबायोटिक की जाती है। क्या है दोस्तों, एनालिजिसिया एंटीबायोटिक की जाती है। नेक्स्ट टेस्ट में पहला वेब ब्राउजर कौन था, तो इसमें से ऑप्शन ओपेरा था, मैसोइक था, मिनी था और नेमसक था, तो ऑप्शन इसमें से ट्रिक करते दोस्तों, हमें नहीं मालूम है, आपका कमेंट बॉक्स में से बताइएगा। तो यहीं पे दोस्तों ये वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।